नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। थाना विभूति खंड स्थित निकट लोहिया अस्पताल के पास दिखा तेज रफ्तार का कहर। नशे में धुत वाहन चालक ने कई लोगों को मारी टक्कर। टक्कर लगने से कई लोग हुए घायल, जिसमें दो बच्चों को आई गंभीर चोटें। मौके पर विभूति खंड पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। कार चालक को पुलिस ने लिया हिरासत। कैसरबाग पुलिस ने लौटाई रोते बिलखते माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की खास रिपोर्ट। घर से चॉकलेट लेने निकले 3 वर्षीय बच्चे के लापता होने पर परिवार में मचा हड़कंप। परिजनों ने तत्काल पुलिस को दी सूचना। सूचना को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर कैसरबाग प्रमोद कुमार मिश्रा ने बच्चे की सरगर्मी से तलाश में लगाई पुलिस टीम। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने बच्चे को सकुशल ढूंढ कर परिजनों को किया सुपुर्द। बच्चे को सकुशल पाकर परिजनों ने कमिश्नरेट पुलिस के कार्य की सराहना करते हुए दिया धन्यवाद। थाना बाजार खाला क्षेत्र के भदेवा में चली गोली। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। शहनवाज नामक युवक के घर पर दबंगों ने चलाई गोली। लाइसेंसी बंदूक से दबंगों ने चलाई गोली। गोली चलाकर मौके से भागे सभी आरोपी। पीड़ित का कहना, आरोपी का बड़ा भाई जैद मेरी पत्नी को भेजता था अश्लील मैसेज। घर की दीवार पर लगी आरोपियों द्वारा चलाई गई गोली। पीड़ित का कहना, आदिल व आकिल नामक युवक ने चलाई गोली। कल रात भी हुआ था दोनों पक्षों में विवाद, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने करा दिया सुलह समझौता। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। थाना बाजार खाला के भदेवा क्षेत्र का मामला। शानवाज अली। क्या हुआ? मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल से लाके घर पे छोड़ के अपने काम पे गया था, तो मेरे पास फोन आया मेरे घर वालों का, बीवी का और बहन का, जो मेरे छोटे बच्चे के साथ थे, कि मेरे घर पे जैद अंसारी और आकिल आदिल और कुछ लोगों ने आके मेरे घर पे फायर किया। दो नाली से दो नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था। ये मुझे नहीं पता। नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं। मेरे कल उनसे कुछ बात हुई थी, जिसपे हम लोगों ने थाने पे आके कम्प्रोमाइज करके समझौता कर लिया था महल्ले वालों के कहने पे। कि अब ये दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी। ये विवाद ये था कि ये मेरे घर में मेरी वाइफ को मैसेज करते, समझौता हो गया था। उसके बाद ये आज ये मुझे तो पता नहीं, महल्ले वाले बता रहे थे अपने घर से दो नाली निकाल के ला के मेरे घर पे दो फायर इन लोगों ने किए। नहीं, घर पे लगी है, सबने दरवाजे बंद कर लिए थे। उसके बाद ये पुलिस कह रही है मैं उसकी उचित से उचित कार्रवाई करूंगी। देर रात इंदिरा नगर के सुगमा मऊ में बाइक गैराज में भीषण आग लग गई। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। आग ने कुछ ही देर में पूरी जगह को अपनी चपेट में ले लिया। फायर स्टेशन इंदिरा नगर की 2 दमकल के साथ फायर सब इंस्पेक्टर शेर अली खान मौके पर पहुंचे। फायर विभाग ने घटना स्थल पर पहुंच आग की दशा को देखते हुए अगल बगल के लोगों को हटाया और एहतियात के तौर पर इलाके की बिजली आपूर्ति बंद करवाई। फायर विभाग ने पहुंचते ही अगल बगल की झुग्गी झोपड़ियां खाली करवाई और इलेक्ट्रिसिटी रूम से पावर कट करके आग को काबू करना शुरू किया। बाइक गैराज में मौजूद थी कुछ बाइक टायर, इंजन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, एयर कंप्रेसर व अन्य गैराज के सामान। फायर विभाग ने फायर कटर से शटर तोड़ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। फायर स्टेशन इंदिरा नगर से फायर सब इंस्पेक्टर शेर अली खान, ड्राइवर दुर्गा प्रसाद पांडे, ड्राइवर सुनील सिंह, फायरमैन नीरज तिवारी, दीनदयाल, मृत्युंजय सिंह आदि दमकल कर्मियों ने सूझबूझ और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।